नमोहावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभादु ठाकुर बोल बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्री माध भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मृ शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी यथाजुक्त प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकाल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु आने का क्या साधारण कारण है, इसलिए हम लोग ने दो कारण श्रवण किया। एक साधारण का साधारण कारण और एक साधारण में एक मुख्य कारण है। हम लोग ने दो बात कल हम लोग सुने, आज सुनेंगे महाप्रभु आने का जो मुख्य कारण में कहते एक साधारण कारण गौण कारण और एक मुख्य में और एक मुख्य कारण है। आज हम और एक कारण सुनेंगे महाप्रभु जगत में क्यों आए हैं, जो मुख्य में जो गौण साधारण कारण है। इसको कहते हैं जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जगत में आए, आने से पहले अभी भगवान आएंगे, जैसे कृष्ण आने से पहले पूरा पृथ्वी सजधज गई, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु आने से पहले ये पृथ्वी भी एकदम दुल्हनी के भांति सज गई। सारे वृक्ष में फल फूल से लद गए, किसान लोग प्रसन्न हो रहे थे क्योंकि बारिश टाइम पर हो रही थी, खेती हो रही थी, एकदम पूरा दुनिया हरा भरा था। लेकिन सब कुछ तो सही था, लेकिन एक कमी क्या थी कि तो व्यर्थ काल जाए हैं, कल व्यवहार रसे लोगों का जो समय है वो किस रूप में समय बिताए करते थे। बोले जीवन को भगवान की भक्ति के बगैर दूसरे दूसरे काम में जीवन को व्यतीत करते थे। ये व्यवहार रस, व्यवहार रस मतलब पैसा कमाओ, बच्चों को जन्म दो, खिलाओ पिलाओ और मर जाओ, बस ये साधारण व्यवहार रस में जीवन को बिताए करते थे। कोई भगवान की भक्ति नहीं करते थे। और करते थे क्या, बोले देवी बड़ी बड़ी नवद्वीप गए ना, गए कि नहीं, अब देखना थोड़ी बाहर निकल कर देखना वो कितने बड़ी बड़ी देवी सब बना कर रहे हैं, अलग अलग देवी सब, बड़ी बड़ी मंगल चंडी की बड़ी बड़ी मूर्ति करके। और कलकत्ता में तो वहां पर कंपटीशन होता है, प्राइज मिलता है, कौन कितना बड़ा देवी माँ की पूजा और कौन कितने सुंदर पैंडल बना सकते हैं, बहुत कंपटीशन होते हैं, लाख करोड़ रुपया इतने कलेक्शन करते हैं, लाख करोड़ रुपया उसमें ही खर्चा करते हैं कलकत्ता में। इसलिए सबके सब जैसे अभी सब देवी जागरण करते हैं, इधर भी होती है देवी जागरण बहुत होती है ना, इसलिए गुरुदेव कहते थे मथुरा में कोई देवी जागरण करते थे बोले सब कंस के चर है। बोले चंडी को कौन पूजा करती थी, कंकाली को कौन पूजा करते, बोले कंस पूजा करता था। बोले कृष्ण को कौन पूजा करते थे, बोले भगवान के भक्त पूजा करते थे। इसलिए गुरुदेव कहते थे जितने सब वो जो देवी जागरण करते ना सबके सब कौन है, बोले सबके सब कंस के सब चर है।
हमारे शास्त्र में कहीं नहीं ये देवी जागरण करना। कहां पर लिखा हुआ है देवी जागरण करना? लोग अभी हजार करोड़ रुपया लाख रुपया उसमें खर्चा करते। गुरुदेव बोलते कहीं शास्त्र वास्त्र में कहीं ये सब नहीं, सब कंस के चर लोग आ गए आ करके सब नया नया जिन चीज को निकाल दिया है। इसलिए बड़ी जागरण करते हैं। और विश्वहरी एक देवी है, विश्वहरी का भी पूजा करते थे और इतने पैसा खर्चा करते थे और ये पुतला पूजा करके अभी भी कलकत्ता में अभी भी है। और पुत्र कन्या के विवाह में भी आप देखना कहीं भागवत कथा हो भगवान की सत्संग हो बोलो थोड़ा पैसा दो, बोलो पैसा नहीं लेकिन बेटी की शादी के बोलो करोड़ रुपया खर्चा कर दे, उसमें करोड़ रुपया खर्चा कर देंगे। लेकिन कहीं बोलो भगवान की भक्ति भगवान की भजन भगवान के मंदिर बनेगा नहीं तो जन्माष्टमी राधा बोले एक पैसा नहीं हमारे पास है। इसलिए कहते इतने पैसा खर्चा करते पुत्र विवाह में। और क्या करते थे जितने भट्टाचार्य बंगाल में भट्टाचार्य ब्राह्मण को कहते हैं जितने चक्रवर्ती सब टाइटल है उधर का ये सबके सब क्या करते थे मिश्र है कहते सबके सब ये भी गीता पढ़ते थे भागवत पढ़ते थे लेकिन ये भागवत का जो सार भक्ति है गीता की जो सार भक्ति ये सब नहीं करते थे केवल शास्त्रार्थ तर्क वितर्क करते थे। वो उसकी मतवाद को खंडन करता था वो उसकी मतवाद को खंडन करता था। शास्त्र का तात्पर्य जो प्रेम और भक्ति है ये सब विषय में कोई भी विवेचना नहीं करते थे। और क्या करते थे एक बंदर एक बंदरी एक कुत्ता एक कुत्ती एक बिल्ला एक बिल्ली है ये दो पार्टी हो जाएगी कुत्ता के तरफ में एक कुत्ती के तरफ में एक बिल्ला के तरफ बिल्ली उसमें शादी करवाएंगे पालक में बैठा कर ले जाएंगे लेकर के उनकी शादी करवाएंगे उसमें लाख करोड़ रुपया उसी में ही खर्चा करते थे। इसलिए लेकिन ये लोग क्या करते बोले शास्त्र पढ़िया और नरक के डूबे मरे कहते ये लोग शास्त्र पढ़ करके भी नरक में डूब करके मरते थे। इसलिए युग धर्म कृष्ण कीर्तन नहीं इसलिए युग धर्म जो है जो हरि कीर्तन है इसलिए कलयुग धर्म है नाम से कीर्तन कलो तद हरि कीर्तनात् कलयुग में युग धर्म हरि कीर्तन कोई भी हरि कीर्तन नहीं करते थे। और क्या करते थे किसकी कभी गुण नहीं देखते थे केवल दूसरे के दोष ही देखते थे। लेकिन जो लोग तपस्वी विरक्ति लोग ये लोग क्या करते थे नाम से साधु कोई भगवान का नाम नहीं कोई भगवान का कीर्तन नहीं। अभी भी वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में देखो वो एकादशी का दिन छोले खा रहे हैं रोटी खा रहे हैं चाय पी रहे हैं और उनको आश्रम में मिलता है और उनको क्या करने के लिए उसको लेने के लिए कहते ये जो गौरी के वस्त्र पहनना पड़ेगा तभी मिलेगा। और कोई गंजा फूक रहे हैं कोई बीड़ी फूक रहे हैं कोई तम्बाकू खा रहे हैं और बेस भी साधु का बेस है लेकिन भगवान की कोई भक्ति भक्ति से भजन से जिनके कोई मतलब नहीं भगवान की भक्ति में। इसलिए हाँ जो कभी कोई बड़े पुण्यवान होते थे जब स्नान करते थे है स्नान का समय में कोई कोई पुंडरीकाक्य का नाम को भगवान का नाम को कोई 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 लिया करते थे पुंडरीकाक्य नाम को लेते थे। इसलिए सबके सब भगवान की माया में मोहित होकर विष्णु की माया में सबके सब मोहित होकर हो हुए थे। लेकिन जो भक्त लोग महाप्रभु आने से कुछ भक्त लोग आए लेकिन भक्त लोग ये सब चीज को देखकर बड़े दुखी होते थे बोले कहीं कीर्तन कृष्ण कीर्तन नहीं कहीं भगवान का नाम नहीं। भक्त लोग तो यही चाहते ना जैसे आप लोग यहाँ जम्मू में क्या चाहते पूरा जम्मू ही भक्त हो जाए है सब तिलक लगाए गले में कंठी पहने सबके सब भगवान की माला करे हम यही चाहते ना सारा दुनिया कृष्ण भक्त बन जाए सबके सब भक्तों का लेकिन जिसकी भावना रही जैसे जिसके अंदर में जैसी भावना है ना उसी भाव से लोगों को दर्शन करते हैं। अगर सब दुनिया अगर जम्मू के पास ही भक्त हो जाएंगे हरिनाम कीर्तन अगर कितना आनंद आएगा है कितना आनंद आएगा। वहां समय भक्त लोग भी यही सोचते थे ऐसे कब दिन आएगा सबके सब लोग नवद्वीप के बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। कभी कभी भक्त लोग दूसरों को समझाए करते हुए हरि नाम करो, भजन करो, बोलने पर भी भजन नहीं करते। अभी जैसे आप लोग भी दूसरों को बोलते तो हरि नाम करो, कीर्तन करो, करते हैं नहीं? शादी विवाह में, पार्टी में बड़े आनंद लेंगे, लेकिन भगवान की कीर्तन में नहीं आएंगे। इसलिए भक्त लोग सब देख देख करके ना अपना भजन पूजा पाठ अपना घर के जो नीति नियम को भक्त लोग इसको अपना नीति नियम को करते थे, और आपस में गंगा स्नान और कृष्ण कथा आपस में भक्त करते थे, और भगवान को प्रार्थना करते, ठाकुर जी अब जगत में जल्दी से जल्दी आओ और ये जीवों को सद्बुद्धि दो और ये जीवों का कल्याण करो। ये सब चीज को देख करके कहते वहां पर श्री अद्वैत आचार्य रहते थे। अद्वैत आचार्य कौन है? कहते सदाशिव है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं सही ग्राम बैस बैस नावग्र अग्रगण अद्वैत आचार्य सब शास्त्र धन्य। इसलिए उसी नवद्वीप में श्री अद्वैत आचार्य वहां पर निवास करते थे। कहते ये कौन? बोले वैष्णव अग्रगण सर्वश्रेष्ठ वैष्णव। इसलिए शंकर जी ही अद्वैत आचार्य बन करके आए, सदाशिव है। कहते ये कौन है? कहते वैष्णव नाम यथा शंभु पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी, जो पंचमुख में भगवान का नाम लेते थे और महामंत्र जयी जपत महेश, हर समय भगवान की भजन करने वाले शंकर जी, जितने सारे शास्त्र को रचना करने वाले, शास्त्र को बोलने वाले श्री अद्वैत आचार्य वहां पर रहते थे। अभी अद्वैत आचार्य इन लोगों को इस दुर्दशा को देख करके बड़े दुखी होते थे, हैं? बड़े दुखी होते थे और कभी कभी बोलते थे मैं चाहता हूँ मेरे प्रभु को जगत में अवतीर्ण कराऊं, हाँ अगर मैं प्रभु का अवतीर्ण नहीं करा पाऊंगा तो। कभी कभी उनको क्रोध भी होता था। क्या होता था? ये अगर भजन नहीं करेंगे ना, मैं सुदर्शन चक्र लेकर के क्या करूंगा, सबके सब बाहर डालूंगा। क्योंकि एक स्वरूप में कहते अद्वैत आचार्य कौन? कहते ये सदाशिव है, कहते महाविष्णु है, हैं? ये महाविष्णु है। इसलिए पहले कभी कभी सोचते थे सुदर्शन चक्र लेकर सब में खत्म कर डालू। तो यहाँ पर हमारे टीकाकार लोग कहते हैं कोई भजन करे नहीं करे, पर इनको इतना चिंता क्यों पड़ी? इनको इतना चिंता क्यों पड़ी? कोई अगर भजन नहीं करेगा तो हम गला काट देंगे। बोलिए सदाशिव जो अद्वैत आचार्य महाविष्णु, ये महाविष्णु का काम क्या है? जब यही महाविष्णु, तीन विष्णु, एक तो महाविष्णु, एक गर्भदशाई विष्णु, एक कारणदशाई विष्णु, ये है एक गर्भदशाई विष्णु, एक हिरादशाई विष्णु। इसलिए यही विष्णु जब माया के प्रति दृष्टि करते हैं, कहते तो माया भक्षण प्रकृति सूयते सचराचर, यही जब माया के प्रति दृष्टि करते हैं तो माया खबित होकर के अनंत ब्रह्मांड को ये सृष्टि करती है, हैं? जैसे बगैर पति पत्नी के बच्चे नहीं हो सकते हैं, यही ही उन्होंने माया को प्रति दृष्टि करके अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को जगत में सृष्टि करते हैं। इसलिए नियम है, जैसे आप पिता हो, आप क्या चाहते हो? बच्चे अच्छे तरह से पढ़ाई लिखाई करो, ये तो चाहते ना, यही तो चाहते ना, बच्चे अच्छे लिखा पढ़ाई करे और क्या करे, बच्चे अच्छे निशान बने, तो यही चाहते हो। लेकिन अगर पिता माता देखते बच्चे भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, बच्चे गलत रास्ता पर जा रहे हैं, पिता माता को क्रोध आएगा नहीं? आता कि नहीं? आता कि नहीं? आता है ना, जरा उल्टा पुलटा थप्पड़ भी मारते हैं, बोले पढ़ बैठे कर, इधर उधर दिन भर स्मार्टफोन टीवी देखते हो, बैठ कर पढ़ा। अब पेपर जब आता है पिता माता क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? भैया पेपर आ गया, ठीक से पढ़ाई करो, ठीक सुनने लगाते हैं। इसलिए कहते हैं हर पिता माता बच्चों का कल्याण सोचते हैं। इसलिए ये जो महाविष्णु अद्वैत आचार्य कहते ये महाविष्णु, ये कारण दशाई विष्णु है, इसलिए जब बच्चे को जन्म देते इनका कर्तव्य है क्या करो, बच्चों को लालन पालन भी करे, इनका कर्तव्य है। कहते कैसे लालन पालन करे अद्वैत आचार्य, करेंगे कैसे? कहते केवल खिला पिला करके नहीं, केवल खिला पिला करके नहीं, कहते असली रूप में जो लालन पालन है इनको भगवान की भक्ति को द्वारा, इनको भगवान की भक्ति को द्वारा लालन पालन करना चाहते हैं, हैं? तभी ये संतुष्ट होंगे, खाना पीना तो सब जीवन में अपने आप मिल जाएगा, तभी ये संतुष्ट होते हैं।
जब भगवान की भजन सबके सुनते हैं तभी संतुष्ट होते हैं। क्यों? ये जीवन में प्रभु की भक्ति हो सकती और किसी जीवन में भक्ति नहीं हो सकती। हम लोग ने मैं कथा सुन रहा था हमारे भक्ति प्रज्ञान के स्वरूप गोस्वामी महाराज का लेक्चर, वो बोल रहे थे एक किसी ने उन्होंने कोई कॉलेज खोला था, स्कूल खोला था, उसमें एक बच्चा था उसका इतना पढ़ाई लिखाई इतना अच्छा नहीं था, मार्क इतना नहीं आता था, लेकिन उसको भक्ति में बड़ी रुचि, भगवान की भक्ति में इसकी बहुत रुचि है, बहुत रुचि। और कहते थे उसको बड़े प्यार करते, बोले क्यों, भले ही लिखा बड़ा कम हो कोई बात नहीं, क्योंकि तो जड़ विद्या जो माया और वैभव तुम्हारा भजन बाधा है, जो जड़ विद्या है कहते माया की वैभव है, कहते भक्ति में बाधा है ये सब के सब। इसलिए मोह जन्म या अन्यत्र संसार जीव के करेगा था, संसार में क्या करते विद्या वो गधा बना देते हैं। लेकिन कहते थे एक बच्चा वो इतना लिखा ही पढ़ा नहीं, भक्ति में रुचि था, उसको देख कर खुश होते थे, कम से कम भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं। और ये जड़ विद्या क्या करता है, जीव का माया की तरफ में ले जाता है, माया की तरफ। लेकिन एक बच्चा था वहां पर, उन्होंने जो कॉलेज कंपल्सरी उसमें भक्ति थी, लेकिन एक बच्चा था बढ़िया नंबर लाता था, लेकिन उसको भक्ति भक्ति से कोई रुचि नहीं थी, उसको भक्ति से कोई रुचि नहीं थी, कहते हम उसको प्यार नहीं करते थे। क्योंकि क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई का सार्थकता कब है, जो भगवान के भजन करे, सा विद्या जतन मतिर जया, वही विद्या है जब वो मति को भगवान के चरण में जो लगा दे। अगर विद्या पढ़ करके प्रभु का भजन नहीं किया तो वो विद्या की कोई निष्फलता। इसलिए अद्वैत आचार्य जी ने उन्होंने जगत का दुर्दशा को देखा और उन्होंने जगत पिता है देखा, भगवान की कोई भक्ति नहीं कर रहा है, भगवान दुनिया बनाया उसको खा रहे हैं, दुनिया लूट करके ये सारे भगवान की संपत्ति को तो लूट कर खा रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहे। इसको देख करके अद्वैत आचार्य जी को इतने क्रोध आता था, बोले अगर मैं अपना प्रभु को नहीं ला पाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, सुदर्शन चक्र लेकर सबको मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा। क्यों, भगवान की भक्ति कोई नहीं कर रहे। अभी उन्होंने देखा, कहते कलिजुग का युग धर्म क्या है, बोले कलिजुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन। कभी अद्वैत आचार्य ये काम कर सकते थे, ये काम को ये कर सकते थे, लेकिन अद्वैत आचार्य ने देखा ये जो कलिजुग है वो कलिजुग साधारण कलिजुग नहीं, कभी ये धन्य कलिजुग है, जिस कलिजुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में जो 1000 चतुर्युग बीतने पर एक बार महाप्रभु जगत में आने वाले, यही कलिजुग में आने वाले। और ये जो कलिजुग में महाप्रभु आकर क्या करेंगे, कहते ब्रह्मा शंकर नारद भी जो प्रेम के लिए तरसते हैं, महाप्रभु वो दुर्लभ प्रेम को प्रदान करेंगे, हैं वो मंजरी भाव है राधा रानी की, पाल्य दासी भाव कौन देंगे, कहते महाप्रभु दे सकते, मैं ये चीज को नहीं दे सकता, मेरे लिए ये संभव नहीं। इसलिए अद्वैत आचार्य ने देखा भगवान को जगत में प्रकट करने का सबसे सरल उपाय क्या है, उनने सारे ग्रंथ शास्त्र को उनने ढूंढा, ढूंढते ढूंढते उनको एक श्लोक मिला, कहते श्लोक क्या था, बोले तुलसी तल मात्रेण जलस्य चुलुक निवा विकृणिते सो आत्मनम भक्तव्य भक्तवत्सल। इस श्लोक को उन्होंने देखा, देख करके इतने खुश हो गए, इसका मतलब है अगर कोई हाथ में गंगा पानी एक गंडू से गंगा पानी ले और उसमें एक तुलसी दल छोड़ करके अगर कोई भगवान को अर्पण कर देते है ना, क्योंकि गंगा पानी तुलसी दल में इतने शक्ति है, भगवान उसको ऋणी को उतारने के लिए सर को खुजलाने लगते, हम सर कब कुछ खुजलाते, जो बहुत ज्यादा ऋणी ग्रस्त हो जाए हम ऋणी को कैसे चुकाएंगे, ऋणी को कैसे चुकाएंगे, तब हम क्या करते भैया सर खुजलाते। लेकिन कहते गंगा जल और तुलसी में इतने शक्ति है, भगवान स्वयं इसको द्वारा ऋणी हो जाते हैं और ऋणी को चुकाने के लिए भगवान अपना सर को खुजलाना शुरू कर देते हैं, इतने शक्ति है। तो यहाँ पर प्रश्न होता है भैया ये गंगा पानी तुलसी में से क्या चीज है जो भगवान भी सर खुजलाने लग जाते हैं। कहते जो गंगा पानी है ना, ये गंगा पानी कोई साधारण वस्तु नहीं, शंकर भी जिसको अपना जटा में धारण करते हैं, त्रिभुवन को जो कल्याण करने वाली गंगा ये पानी है भगवान की, ये चरणामृत है। इसलिए कहते अकाल मृत्यु हरणम, जो चरणामृत क्या करता है,
अकाल मृत्यु हरणम, आज समय में अगर मृत्यु हो, अगर चरणामृत कोई लेना उसको हरण कर देता है, सर्व व्याधि विनाशनम, समस्त व्याधि को ये दूर कर देते हैं, और विष्णु पाद तत्म पिता सिर साधारण, भगवान की चरणामृत लेकर के अपना सर में धारण करनी चाहिए। भगवान क्यों कालियों को सर पर नृत्य किया? कारण है उन्होंने कभी संतों की चरणामृत को उन्होंने कभी सर पर लगाया था, है इसलिए जो गंगा जल है, कहते महाप्रभु जब संन्यास लेकर जा रहे थे उन्होंने कहीं भगवान का नाम को सुना नहीं पड़ा, लेकिन जब एक स्थान पर गए ना, देखा कुछ ग्वाला लोग हरी बोल कर रहे थे, महाप्रभु सोचे इतने दूर तक आया कहीं भी ठाकुर का नाम सुनने को नहीं मिला, यहाँ पर आने पर हरी बोल कहाँ से आवाज आ रही है, देखा पास में गंगा बह रही, क्योंकि जो गंगा जहाँ पर बहती ना उसको हवा करके इसको शरीर में लग जाए अपने आप उसके हृदय में भगवत भक्ति को प्रकट कर देती है केवल उसकी हवा लगने पर, इसलिए यहाँ पर कहते हैं बोले प्रेम रस स्वरूप तुम्हार दिव्य जल, चैतन्य भागवत में कहते हैं जो गंगा पानी क्या है, कहते प्रेम रस स्वरूप ये गंगा का पानी है, बोले शिव से तुम्हार तत्व जानने सकल, इसकी महिमा कौन जानते, बोले भोले बाबा जानते, इसलिए जब गंगा अवतीर्ण होने चाह रहे थे इस समय गंगा, बोले मेरे दो समस्या है, ये दो समस्या को पहले दूर करो, बोले पहला समस्या क्या, इतने दूर से जब मैं कलकल नाद से आऊंगी मेरी गति बड़ा प्रखर गति होगी, पूरा पाताल को भेद करके चली जाएगी, अभी इसको कौन धारण करेगा हैं? दूसरी समस्या है जब बड़े बड़े से पापी लोग आकर गंगा में नहा करके पाप को छोड़ करके जाएंगे, अभी ये पाप को कौन लेगा हैं? पाप को कौन लेगा, इसलिए शंकर जी को उन्होंने मनाया, शंकर जी बोले मैं अपना जटा में गंगा को धारण कर लूंगा क्योंकि तो भगवान की चरणामृत है, बोले फिर जो पापी लोग स्नान करेंगे, बोले वैष्णव लोग भी तो स्नान करेंगे हैं, जिनके हृदय में कहते तीर्थ कुर्बान कुर्बानी तीर्थानी, जो तीर्थ को भी जो तीर्थ प्रदान करते क्यों, कहते अपना हृदय में वो भगवान को धारण करके रखे, इसलिए कोई चिंता नहीं, इसलिए इसको द्वारा तुम्हारी सारी फिर गंगा आए, इसलिए शंकर जी गंगा पानी को क्या किया, जटा में उन्होंने धारण कर लिया गंगा पानी को, इसलिए यहाँ कहते सकृत तुम्हारे नाम करिले श्रवण तार विष्णु भक्ति है कि पुनः भक्ष्यम, इसलिए गंगा का अगर एक बार कोई नाम ग्रहण कर लेना क्या होता है, कहते उसको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है, अगर गंगा पानी को अगर कोई आचमन करे तो उसकी महिमा हम क्या बताएंगे है, गंगा पानी को अगर कोई आचमन करे तो, इसलिए कहते तुम्हारे प्रसाद से कृष्ण है ना नाम सुरय जी मेरे मुखे ये नहीं आर, इसलिए कहते गंगा देवी कृपा से क्या होगा है, गंगा देवी कृपा से जो कृष्ण नाम है हमारे हृदय में स्फुरण होता है, इसलिए स्फुरय जिबेर मुखे इथे नहीं आर, बोले कीट पक्षी श्रीगाल कुकुर यदि है, गंगा की महिमा कह रहे हैं अगर कोई कीट हो कोई चिड़िया हो कोई श्रीगाल अगर कुत्ता भी अगर है ना, बोले तथा भी तुम्हारे यदि निकट सब बसे, अगर तुम्हारी निकट में अगर ये सबके सब निवास करते हैं क्या होगा, बोले उनका भी गंगा पानी के स्पर्श से उनका भी कल्याण हो जाती है, अब देखना जिधर गंगा बहते हुए जाती ना हरी भरी रहती है, चार तरफ में हरी भरी रहती है, इसलिए भगीरथ का जो पूर्वज थे जो सगर महाराज के उसे संतान कपिल मुनि की अभिशाप से दृष्टि से जल करके राख हो गए थे, वहां पर कहीं हड्डी तक भी नहीं था, कितने सालों हजार सालों पहले वहां पर सबके सब जल करके राख हो गए, लेकिन ऋषि ने बोले अगर गंगा जी को अगर कोई ला सकते हो गंगा स्पर्श से उद्धार होगा, वो सबके सब चित्कार करते थे क्योंकि उनको ऋषि के अभिशाप से शरीर छूट गया, उनका आत्मा को शांति नहीं मिली, बोले बचाओ रक्षा करो हम बचाओ, हम लोग ऋषि के अभिशाप से कष्ट पा रहे थे बड़ी कष्ट पा रहे थे, लेकिन कितने सालों बाद में गंगा आई, लेकिन केवल उसको ऊपर में जब गंगा पानी केवल ऊपर से होते हुए चली गई ना, बस उदाहरण गंगा सागर में कहते ना सारे तीर्थ बारंबार गंगा सागर एक बार है, इसलिए गंगा सागर कितना महिमा वहां पर, कितने महिमा गंगा सागर की, जहां पर समुद्र के साथ में जहां पर मिली है वहीं पर सागर और संतान सबके सब जल करके राख हो गए थे,
इसलिए कहती है गंगा की विशेष विशेष महिमा श्री गंगा की। बोले ये तुलसी की क्या महिमा है, ये तुलसी दल देने से क्या होता है। कहते ये भक्त्या विहीना अपराध लक्षई कृपा से कामादि तरंग मध्यई कृपा मई त्वाम शरणम प्रपरना वृंद नमस्ते चरणार। इसलिए इनकी वृंदा देवी के आशीर्वाद से ही क्या होगा। कहते कृपा से कामादि हृदय में जो काम है हमारे हृदय में जो अनर्थ है इनकी कृपा से ही दूर हो जाता है। और कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवत ही नमो नमो, जो कृष्ण की भक्ति देने वाले ये तुलसी देवी है। कहते तुलसी आठ तरह से कल्याण करती है। कितना तरह से, कैसे कैसे बोलो। इसलिए कहते ये श्लोक है दृष्टा स्पृशा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता श्रुता। कहते हैं कहते है पहला क्या हो गया, दृष्टा दृष्टा। अगर कोई तुलसी को केवल दर्शन कर लिया ना, बस दर्शन मात्र से जीव का कल्याण। फिर अगर कोई स्पर्श, इसलिए गले में जैसे तुलसी का की धारण करते गले में स्पर्श होकर रहा था ना है, ये कभी तुलसी का अगर स्पर्श हो जाए उसका भी कल्याण हो जाता है, है? इसलिए कहते एक समय कोई मुसलमान जा रहा था, हठात उसने देखा तीन जमदूत को देखा, बड़ा भयंकर रूप था। देख करके बोले भागने लग गए। तो जमदूत तो बोले भाई क्यों भाग रहे, भाग मत। बोले तुम लोग कौन हो। बोले हम जमदूत। बोले यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो। बोले कोई मरने से पहले हम अपने आप हमें पता चल जाता है कोई मरने वाला। बोले क्या मरने वाला कोई है। बोले हाँ, अभी एक बैलगाड़ी में एक किसान बैलगाड़ी में चढ़ बैठ कर आएगा, जब यहीं पर आएगा एक बैल ने रस्सी तोड़ कर भागेगा और वो उसको जो पकड़ने के लिए जाएगा वो क्रोध में रहेगा और उसने सींग से ऐसे मारेगा उसको पेट फट फाड़ देगा और यहीं पर मरने वाला। इसलिए हमको सब कुछ बात पता पहले से चलता है कौन क्या कौन मरने वाले। तो वो मुसलमान खड़े हो गए। मैं देखता हूँ क्या हुआ था। सचमुच से देखा कि बैलगाड़ी में बैठ कर किसान आ रहे और ठीक वहीं पर आते ही एक बैल ने रस्सी को तोड़ कर जो भागा, इसे किसान ने जब उसको पकड़ने के लिए गया वो क्रोध में था, मारा इसे उसका पेट में सींग को फाड़ दिया उसको। लेकिन फाड़ दिया जब उसका शरीर गिरा है ना, वहां पर तुलसी की बगीचा थी, इतने जब उसका शरीर तुलसी में स्पर्श हो गया, वो उसने क्या हुआ, तुलसी में स्पर्श होते ही उसने चतुर्भुज धारण करते हुए भगवत लोक में चले गए और वहां पर विष्णुदूत आ गए। और जब इतने में वो जो जमदूत थे ना वो लेने के लिए आए थे, लेकिन जब उसका शरीर केवल तुलसी में स्पर्श हो गया विष्णुदूत आए वहां भाग गए वहां से डर मारे, क्योंकि अजामिल का समय पर मार खाए थे इसलिए बोले हमें फिर पिटाई नहीं करते, इसलिए भाग गए। जब भाग गए इतने में इस सब लीलाओं को देख करके इतने में ये मुसलमान बड़ा आश्चर्य लगा। जब फिर जब वो जमदूत को पूछे बोले तुम लोग जो बोल रहे थे सही सही घटना हुई, लेकिन लास्ट का जो घटना है तो बड़ा विचित्र था, तुम लोग भाग क्यों गए। बोले उसका जब शरीर को गिरा वो तुलसी में गिरा और तुलसी में भगवान का निवास है, तुलसी वृंदा देवी है, इसलिए स्पर्श होते ही उसको संसार से उधार हो गया। बोले तुम लोग भाग क्यों गए। बोले एक बार हमें पिटाई खाना पड़ा था, क्योंकि अजामिल ने कभी नारायण का नाम लिया तो उसमें बड़े तर्क वितर्क हमको मार मार भगा दिए थे विष्णुदूत, इसलिए हमने भाग गया था। उसने क्या की, मुसलमान है लेकिन देखा इतने शक्ति तुलसी में, उसने स्वयं ये तुलसी को काट काट कर गले में माला लगा कर पहना शुरू किया। इसलिए कहते अगर केवल स्पर्श हो जाए ना तुलसी को, इसलिए हमारे भारत में क्या करते हैं देखना, हम तो जो गांव में देखा जो कोई व्यक्ति अंतिम समय में शरीर छोड़ता ना उसका सर के पास में तुलसी पौधा रख लेते हैं, क्यों जमदूत नहीं आते और उसको मुंह में तुलसी तल देते हैं और तुलसी का पानी लेकर उसको मुंह में देते रहते हैं। इसलिए दृष्टा स्पृशा तथा ध्याता। कहते और कैसे कल्याण करते, बोले ध्यान से है नमिता। नमिता मतलब तुलसी को प्रणाम करने से, इसलिए हम लोग करते हैं ना वृंदाई तुलसी देवी प्रियाई केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवती नमन। दिन में तीन बार हम तुलसी को प्रणाम करते हैं। नमिता श्रुता, जैसे अभी तुलसी की महिमा को सुन रहे हैं। रोपिता, अगर जो तुलसी वृक्ष लगाते हैं, कि जो तुलसी वृक्ष लगाते हैं वो तुलसी वृक्ष नहीं लगाते हैं, अपना हृदय में कृष्ण भक्ति बीज को बोते हैं। जो तुलसी वृक्ष लगाने का बड़ा महत्व बताए,
तुलसी हृदय में कृष्ण भक्ति के बीज को बोते हैं, रोपिता है, और उसका जो परिक्रमा करते हैं, उसका जब पूजा करते हैं, उसका जो पानी देते हैं, कहते तुलसी आठ तरह से जीव की कल्याण ये तुलसी करती है। जिस समय सूर्य ग्रहण का समय पर सबके सब कृष्ण रुक्मिणी ब्रजवासी सबके सब वहां पर गए थे, हैं? जब गए थे नियम है तो ब्रह्म कुंड में गए हो, कुरुक्षेत्र ब्रह्म कुंड नियम, वहां पर सूर्य ग्रहण में सब स्नान करने जाते हैं, नियम है सूर्य ग्रहण के बाद में स्नान करने के बाद संतों को ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। अभी वहां पर कृष्ण का 16108 पटरानी आई थी, इतने में नारद जी आए, बोले देखो नियम है स्नान करने के बाद संतों को दान देनी चाहिए, और ऐसे नहीं घटिया चीज दान दे दो, सबसे उत्तम चीज दान देनी चाहिए है। बोले ठीक है दान देंगे, पर नारद जी है संत है, बोले उत्तम चीज दान दो, सबसे जो बेस्ट चीज है, बोले हमारे तो सबसे बेस्ट कृष्ण है, बोले फिर कृष्ण को दान दे दो। अभी उन लोगों ने संकल्प करके कृष्ण को दान दिया, बोले भैया जब संतों को दान दिया मैं तो संत हूँ, अब इसके लंगोट पहना करके और चोटी रख करके बस इसको साधु बना करके गौरी के वस्त्र पहना देंगे, उसको तो चले करके ले जा रहा। बोले नहीं नहीं नहीं, हाँ ये तो हमारे जीवन का सर्वोच्च, बोले दान दे दिया ना, दान दिया तो हमारा हो गया, तो हम ले जाएंगे। बोले नहीं नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते। बोले देखो अगर कृष्ण को अरे वापस लगना तो एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले इनकी बराबर के सोने की एक तराजू ला करके सोना दान देकर इनको आप ले सकते हो। बोले हाँ ये तो कर सकता हूँ। तराजू लाए, कृष्ण के एक तरफ में बैठाए, और पहले पहले जो माताएं हैं ना पूरा सर से लेकर प्यार तक 10-10, 20-20, 50-50 किलो सोने जो पहनते थे है, और उन्होंने रुक्मिणी ने क्या की सारे उन्होंने सोना सोने को उन्होंने सारे सोने को उन्होंने उतार दिया, सत्य भगवान सारे सोने को उतार करके ना तराजू का एक तरफ में रख दिया। लेकिन कृष्ण टस से मस नहीं हो, भगवान के बराबर थोड़ी कोई हो सकता, विश्व पर है, कुछ भी नहीं हुआ। बोले भैया तो कुछ नहीं हो रहा टस से मस, अरे उधर उधर झाके उनकी भावना को देख करके अरे रुक्मिणी भी सारे अलंकार को भी उतार कर रख दिया, तो कुछ भी नहीं हुए। अरे कालिद भी रख दिया, मित्र पिता भी रख दिया, लक्ष्मणा भी रख दी, लेकिन कुछ भी नहीं हो। 16108 पटरानी सारे अलंकार को उतार कर रख दिया, लेकिन किसी तरह से टस। नारद जी बोले भैया फिर तो अपना चले बनाकर ले जाऊंगा। बोले अभी क्या किया जाए, अभी क्या किया जाए। पता चला यहाँ पर श्री राधा रानी आई, राधा रानी भी गई थी। बोले राधा रानी को बुला, वही कुछ व्यवस्था कर सकते। जब राधा रानी को बुलाए बोले सारे अलंकार को निकाल दे, और एक तुलसी दल ला, तुलसी दल में कृष्ण नाम पर लिखो, लिख करके तराजू का दूसरे तरफ में रख दो। हमने जब दूसरे तरफ में रखा है ना, वो कृष्ण का पल्ला तो एकदम हो गया हल्का, और जो तुलसी एकदम हो गया नीचे। बोले से तुलसी महारानी की, जैसे कृष्ण नाम की, ये तुलसी और जो भगवान का जो नाम है ना, इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम है, और जो तुलसी है भगवान स्वयं तुलसी के पास में बीक जाते हैं भगवान, इसलिए कहती है कृष्ण राधा रानी को कैसे मिली, कहते राधा रानी तुलसी पूजा करती थी, तुलसी की सेवा करती थी, तुलसी पूजा करती थी, इसलिए तुलसी जितने भी नरलीला बते है तुलसी की कृपा से उनको कृष्ण प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे संप्रदाय में क्या करते हैं, तुलसी की पूजा, तुलसी की परिक्रमा, तुलसी की आरती हैं। इसलिए मंदिर में हमारी रोज तुलसी की परिक्रमा करते हैं, तुलसी की कीर्तन परिक्रमा करते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री अद्वैत आचार्य जब उन्होंने एक गंडूस उन्होंने गंगा जल और उसमें तुलसी रख करके उन्होंने सुना, अगर कोई भगवान को अर्पण कर दे भगवान उनको ऋणी से उरिणी बनने के लिए अपना सर को खुजलाने लग जाते। फिर उन्होंने किया कि तुलसी दल गंगा पानी दे करके महाभगवान को आह्वान किया, भगवान आह्वान किया तो कहते हैं सुतिया अच्छन खीर समुद्र सागरे निद्रा भंग है लमोर नड़ा रंका, भगवान कहते मैं सो रहा था खीर समुद्र में, लेकिन अद्वैत आचार्य मेरे को उन्होंने ऐसे उन्होंने बुलाया, मेरे आसन को उसने हिला दिया है, आसन को उन्होंने हिला दिया। इसलिए और भगवान क्या किए इसी जगत में अद्वैत आचार्य की वजह से जगत में प्रकट हुए। इसलिए हमारे भजन कीर्तन कहते हैं ना, दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई,
तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई। दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई है, कहते सीतापति इनका पत्नी का नाम सीता है, या अद्वैताचार्य कृपा करो तब कृपा बल्ले पाई चैतन्य निताई, मतलब आपकी कृपा की बल में ही नित्यानंद और महाप्रभु आपकी कृपा से मिले, अगर आप नहीं होते है ना, इसलिए इनको कहते गौर आना ठाकुर। तो जिसने महाप्रभु जगत में, इस जगत में जो महाप्रभु को जगत में लाए, श्री अद्वैत आचार्य लाए है, इसलिए और श्री हमारे लोचनदास ठाकुर क्या कहते हैं, बोले होड़ो होड़ो शब्दे आइला श्री अद्वैत चंद्र जल रस धारा गाए राय रामानंद। उदाहरण देते हैं उड़ उड़ शब्द, उड़ उड़ मतलब जैसे आकाश में भैया मेघ थे कुछ भी नहीं था, लेकिन हठात कैसे जैसे काल वैसा क्या आते हैं ना, हठात कहाँ से आंधी तूफान आई, आकाश एकदम बादल बादल छा गई, अरे इतना बारिश हुई ना सबको भिजा करके ले गई। इसलिए कहते अद्वैत आचार्य ने क्या किया है, अद्वैत आचार्य ने जगत का दुर्दशा को देख कर कोई भजन नहीं करते भक्ति नहीं करते, इसलिए उन्होंने क्या किया कृपा करके उन्होंने पास महाप्रभु को ऐसे बुलाया, हे महाप्रभु को जगत में लाए और महाप्रभु मेघ आए और महाप्रभु ने क्या किया सबको कृष्ण प्रेम रूपी बरसात में सबको भिगो करके महाप्रभु ने जगत से चले गए। इसलिए कहते जो अद्वैत आचार्य है, इसलिए इनकी कृपा से ही क्या हुआ महाप्रभु जगत में अवतरण हुए। इसलिए कहते महाप्रभु आने का जो मुख्य में जो गौण कारण है, ये मुख्य में एक है गौण कारण है, इनकी वजह से ही आए हैं। इसलिए अद्वैत आचार्य क्या की जब महाप्रभु जब प्रकाशित हुए महाप्रभु विष्णु के खटिया पर बैठे हुए बैठ करके और उन्नीस सब भक्तों के एक एक नाम को लेकर ये कर रहे, इतने में महाप्रभु करे नाड़ा 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 नाड़ा, तो भैया नाड़ा मतलब क्या है बंगला में बताए हिलाना, बोले नाड़ा नाड़ा किसको कह रहे, तो सब भक्तों बोले नाड़ा नाड़ा किसको बुला रहे हो, तो महाप्रभु बोले मैंने खीर समुद्र में सो रहा था जिसने गंगा जल और तुलसी देकर मेरे आसन को हिला दिया, नाड़ा मतलब हिलाना, बोले अद्वैत आचार्य को बुलाओ क्योंकि उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या करके मेरे को बुलाया। जब अद्वैत आचार्य को बोले इतने प्रसन्न हो गए, अद्वैत आचार्य इतने प्रसन्न हो गए, महाप्रभु अपना पत्नी को साथ में उन्होंने पंचामृत तुलसी और चंदन कर्पूर फूल लेकर के आए और महाप्रभु के चरण में नम महावदन्याय कहते नम ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नम नम भगवान को कृष्ण मंत्र से अद्वैत आचार्य महाप्रभु की पूजा किए। महाप्रभु बोले अद्वैत आचार्य बर मांगो, देखो क्या उन्होंने बर मांगे, बोले बर मांगो अद्वैत आचार्य, बोले प्रभु अब हर समय नहीं आते हो, ब्रह्मा का एक दिन में एक बार जगत में आए हो है, अगर मेरे को बर देना चाहते हो आपको मैंने क्यों बुलाया, इसलिए कहते युग धर्म हरि नाम संकीर्तन तो मैं भी प्रचार कर सकता था, लेकिन जो ब्रज प्रेम है जो गोपियों की मंजरी जो भाव है ये चीज को मैं नहीं दे सकता, इसलिए अगर मेरे को बर देना चाहते हो आप ये कलयुग में ये जो प्रेम है ना आप कुछ विचार नहीं करना, नहीं ये ब्राह्मण है ये अच्छे कुल में जन्म हुए इनको दूंगा इनको नहीं दूंगा, अब ऐसे विचार नहीं करना, कलयुग में जात पात निर्विचार विचार करते हुए ये प्रेम का आप सबको प्रदान करना, सबको ये प्रेम प्रदान करना, महाप्रभु तथास्तु बोलते। इसलिए देखो हम लोग जो अभी भक्ति में आ रहे हैं ये देखो हम कहाँ कहाँ जन्म हुए, विदेशी लोगों को कहाँ देखो कहाँ मिलेच्छ लोग हैं, कहाँ विकृष्ट कुल से कोई अलग अलग सब जाति से आए, लेकिन महाप्रभु सबको उनने गोद में भरे सबको उनने प्रेम दिया, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, महाप्रभु छोटे से बड़े से सबको महाप्रभु अपनाया और सबको उनने प्रेम दिया, बोले किसकी वरदान से, बोले अद्वैत आचार्य की वरदान से है, इसलिए अद्वैत आचार्य बड़े दयालु, इसलिए इनकी वजह से आए, ये हमारे ऊपर में भी कृपा करे, इनकी वजह से महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हमें मिला है, हमको भी वो ब्रज प्रेम भक्ति और राधा रानी के निकुंज की सेवा हमें भी प्राप्त हो, ठीक है।
श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की, श्री सदाशिव की, सचिनंदन गौर हरि की, श्री नित्यानंद प्रभु की, सपरिकर गौर हरि की, सपरिकर प्रभुपाद की, गुरुपाद पद्म की, निताई गौर प्रेमानंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई 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 गौरांग जय 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 गौर हरि जय 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 गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि जय गौर हरि बोल 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 गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण।